करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को लेकर मशहूर एस्ट्रोलॉजर ने की क्या भविष्यवाणी? क्या होगी इन दोनों की शादी? कब होगी और अगर होगी तो कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ, जानेंगे आप आज इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पर। आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 15 के लव बर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की। जी हाँ, ये दोनों सभी को मेजर कपल गोल्स देते हुए नजर आते हैं। दोनों अक्सर ही एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, चाहे तेजस्वी को शूटिंग से पिक करना हो, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो। करण जो है वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बिल्कुल वो रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और इसीलिए ये मेजर कपल गोल्स लोगों को दे रहे हैं। वहीं से ही जब से बिग बॉस शुरू हुआ था 15, बिग बॉस खत्म होने के बाद भी इन दोनों का साथ बरकरार है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये शादी के बंधन में बंध जाएं। हालांकि ये दोनों भी इस बात से डिनाई नहीं करते कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं और शादी करेंगे भी। फिलहाल एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर ने इनकी शादी के बारे में क्या कहा है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। करण और तेजस्वी से फैंस कितना प्यार करते हैं ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी प्यार की बदौलत हैशटैग तेजरन जो है वो इतना ट्रेंड करता है और इतना ज्यादा फैंस इन्हें पसंद भी करते हैं। शादी की अगर मैं बात करूं तो इन एस्ट्रोलॉजर का ऐसा कहना है कि 2023 के आसपास ये दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और बात अगर मैं करूं कि कैसी इनकी शादीशुदा जिंदगी रहेगी तो इस प्रिडिक्शन के हिसाब से इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि करण कुंद्रा जो है वो तेजस्वी प्रकाश के लिए लकी चार्म है, यानी कि उनके लिए काफी लकी है वो। लेकिन हाँ, कुछ ईगो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो इनके रिलेशन में आ सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, पर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मैरिज डेफिनेटली कार्ड्स पर है और मैरिज काफी अच्छी रहने वाली है, शादीशुदा जिंदगी इनकी काफी अच्छी रहने वाली है, ऐसा इस एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन में कहा गया है। आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों शादी करेंगे तो कैसा इनका कपल जो है वो रहेगा और कितना प्यार इनका फैंस से इनको और मिलेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में और कौन सा आपका फेवरेट कपल है तेजरन के अलावा, ये आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।